अस्सलाम वालेकुम, आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खास, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1.5% नुमाया इजाफे पर सरमायाकारों में बेचैनी पाई जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मनफी रुझान देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 744 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 45,745 पर बंद हुआ। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 ग्रुपों के दरमियान 2 घंटे तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले 2 मंशियात ग्रुपों के 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक मलिक से। अतीक मलिक, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर थाना नवाबगंज की हदूद में जो है वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 ग्रुपों के दरमियान जो है वो फायरिंग का सिलसिला 2 घंटे तक जो है वो जारी रहा। एनएसआई टीम का ये कहना है कि 2 घंटे के दौरान जो है वो फायरिंग दोनों ग्रुपों की तरफ से होती रही, लेकिन पुलिस जो है वो 2 घंटे के दौरान मौका पर ना पहुंच सकी। 2 घंटे के बाद जो है वो पुलिस मौका पर पहुंची, जबकि एसपी सदर हफीजुल मुफ्ती जो है वो भी मौका पर पहुंची और उन्होंने जो है वो मुजमान के घरों को ताले तोड़कर जो है वो घरों में दाखिल हुए और दोनों पार्टियों की तरफ से जो है वो 4 मुजमान जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि मजीद मुजमान की तलाश के जो है वो जारी है और उनके लिए जो छापे मारे जा रहे हैं और इस वाकई का मुकदमा भी जल्द दर्ज करके जो है मुजमान के खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतीक मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज पार्टी टिकट जमा करवाने और दरखास्तें वापस लेने की आखिरी तारीख है। टांक में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और जेयूआई के मौलाना असद महमूद तहसील मेयर के लिए अपने पार्टी उम्मीदवारों के हमराह रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे। मजीद तफसीलात जानते हैं फारूक महसूद से। फारूक महसूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला टांग में भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। आज बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी टिकट जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी और तकरीबन तमाम पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो अपने जिली सूबाई और मरकजी रहनुमाओं के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ उन्होंने अपने पार्टी टिकट जो हैं वो जमा करवाए हैं। आपको बताता चलूँ कि आज पीटीआई के मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी अपने उम्मीदवार के साथ आए और उन्होंने पार्टी टिकट जो है अपने उम्मीदवार का उनको जमा करवाया। उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना असद महमूद भी यहां पे आए और उन्होंने भी अपने उम्मीदवार का जो है उनका जो पार्टी का उम्मीदवार है मेयर के तहसील मेयर के लिए उन्होंने वो जो है टिकट जो है वो जमा करवाए। रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ जब पार्टी टिकट जमा कराने के लिए दोनों मरकजी जो अपनी अपनी पार्टियों के रहनुमा है जब वो पहुंचे तो उनका आमना सामना भी हुआ और उनकी पार्टी वर्कर्स जो है उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी। मुरीदके में असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करके जहरीला धुआं छोड़ने वाली 2 फैक्ट्रियों को मिसमार कर दिया। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अल्लाह रखा आमिल से। जी अल्लाह रखा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। उसके हवाले भट्टी जो उसके हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के अरबाब इब्राहिम ने सख्त नोटिस लिया है। इलाके में टायरों को जलाने वाली 2 फैक्ट्रियां बंद कर दी है और एक पट्टा खर्च जो है ना वो भी उनके चलान कर दिए हैं और उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर मरीज का कहना है कि इस लोग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। इंसानी सेहत के लिए जो मुजर है इसका इंसान को पासन फराहम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अल्लाह रखा आमिल। पेशावर के थाना खजाना की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से हेड कांस्टेबल अमजद खान शहीद हो गया। शहीद अहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने शबकदर से पेशावर ड्यूटी पर आने वाले पुलिस अहलकार को फायरिंग करके शहीद किया। अमजद खान बटबेर में ड्यूटी पर तैनात था। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई, आईजी खैबर पख्तूनख्वा और कमिश्नर पेशावर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। अटक के सरकारी इदारों से करप्शन के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर ने खुद ऑनलाइन निगरानी शुरू कर दी है। पहले नंबर पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर जद में आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक। अवाम के हकूक की पासदारी, अटक में अराजी रिकॉर्ड सेंटर की कड़ी निगरानी, डीसी इमरान शेख के अवाम से बराह रास्त रबते। क्या इसमें निगरानी है आपका?
पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर अटक इमरान हामिद शेख ने जिला भर के राजी रिकॉर्ड सेंटर की खुद निगरानी शुरू कर दी। लाइव कैमरों के जरिए निगरानी के साथ साथ अराजी सेंटरों में आए अवाम से बहरास्त अमले के सामने मसाइल पूछे जा रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारा डायरेक्ट लायजोन विद जनरल पब्लिक हो रहा है और इसके अंदर किसी किस्म की दरमियान में कोई राबता जो है वो नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। इसके जो है वो अवाम में पब्लिक में भी इसकी काफी पजीराई हो रही है और हमें भी एक डायरेक्ट फीडबैक जो है वो पब्लिक से आ रहा है। शहरियों ने जिली सतह पर करप्शन के खात्मे के इस इकदाम को खूब सराहा है। सबसे अच्छा ये जो निजाम चल रहा है इसमें इंशाल्लाह सब सहूलतें मिल रही है और अवाम को अच्छी तरीके से ये डील कर रहे हैं। हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी की वजह से इंशाल्लाह ये सारा निजाम बेहतर हुआ है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से सरकारी इदारों से रिश्वत मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। मोहम्मद सदीक, आई न्यूज, अटैक। गुजरात में CIA पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। वर्सा ने लाश सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया है। DPO उमर सलामत ने वाकये का नोटिस लेकर CIA थाने के इंचार्ज समेत 10 अहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। 22 साल मजहर इकबाल को 15 रोज कबल दोहरे कत्ल केस के मुकदमे में CIA पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया और नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद करते रहे। वर्सा ने इल्जाम लगाया कि पुलिस उनसे मजहर इकबाल की रिहाई के बदले 15 लाख रूपये रिश्वत तलब करती रही। DPO ने मामले की तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम तश्कील दे दी है। बलूचिस्तान में यकसां तालीमी निजाम के नफाज के लिए कोयटा में 3 रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। तालीमी माहरीन ने इस अजम का इजहार किया कि एक कौम और एक निसाब के ख्वाब को अमली शक्ल देकर ही तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। कोयटा में कैरिकुलम रेवेन्यू सेमिनार का इफ्ताह वजीर तालीम नसीबुल्ला मरी ने किया और कहा कि सूबे में यकसां तालीमी निजाम जल्द राइज होगा। वफाक ने जो काम करना था वो कर लिया है, अब हमने काम करना है अपने निसाब को दौरे जदीद के तकाजों जरूरियात और पेश से हम आंग करके अपने असातिज़ाए किराम तक पहुँचाना है। माहरीन तालीम कहते हैं कि निसाब में जिदत लाने के लिए तरामीम नागुजीर हैं जिसके लिए मशावरत की जा रही है। जिस वक्त यकसां तालीमी निजाम बन रहा था तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर जो है मदारिस और सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और ये तमाम जो है उनका हिस्सा थे और सबकी रजामंदी और सबकी मानत से वो बना है। ये एक अच्छा क्यूरिकुलम लेके आ रहे हैं SNC और वो तकरीबन तमाम जो एजुकेशन के जितने 3 सेक्टर्स है, प्राइवेट है, पब्लिक है और मदरसास हैं, और इन तीनों में जो है इम्प्लीमेंट होगा। एक कौम एक जैसा तालीमी निजाम वक्त का तकाजा है। मदारिस, सरकारी स्कूल और निजी तालीमी इदारों को एक सफ में खड़ा करने से तरक्की और एक कौम के अहदाफ को पाने में आसानी होगी। कैमरामैन मोहिबुल्ला के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। जहानिया म्यूनिसिपल कमेटी में मुनक़िदा बजट इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। चेयरमैन, काउंसलर और कन्वीनर आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए और मुगलजात बकी। झगड़ा तरक्याती कामों की बोगस बिलों की अदायगी पर हुआ। झगड़े के बाइस इजलास खत्म कर दिया गया। मानसेरा पुलिस की कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। साबिक सूबाई वजीर जंगलात हाजी इब्रार हुसैन उर्फ बाला समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद अकरम खान नामी शख्स ने थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसे कब्जा ग्रुप ने अगवा करके जबरदस्ती जमीन अपने नाम करा ली थी, जिस पर पुलिस ने साबिक वजीर जंगलात हाजी इब्रार समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। केस की मजीद तफ्तीश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में गैस की कीमतों में इजाफा। सर्दी से बचने के लिए बालाई इलाकों के लोगों ने अपने फलदार दरख्त काटना शुरू कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। दुर्दाना, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त में जिला गजर के सबसे बलाए इलाके टेरू में मौजूद हूँ और टेरू में इस वक्त शदीद सर्दी है और टेम्परेचर -8 तक गिर चुका है और यहाँ के लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर गैस की कीमतों में होशुबा इजाफे के बाद यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने अपने फलदार और गैर फलदार दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है। हम यहाँ मौजूद चंद लोगों से बात करेंगे कि इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, यहाँ की सर्दी का तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान को पता है, सर्दी बहुत ज्यादा है। लकड़ी का कीमत तकरीबन 1200 का मन यहाँ मिलता है,
तो गैस इसी वक्त 2800 से भी अबो है। लिहाजा गुजारिश गवर्नमेंट से ये करते हैं कि तो यहाँ गैस का कुछ हमारे लिए रियायत किया जाए ताकि हम अपने बच्चों के साथ आसानी से जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ के जो लोग हैं उनकी बातें आपने सुन ली, इनका कहना है कि गैस की कीमतों में होशुबा इजाफे की वजह से वो अपने फलदार दरख्त काट रहे हैं। इनका मुतालिबा है कि वफाकी हुकूमत गैस की कीमतों में कमी लाए ताकि इनके जो फलदार दरख्त है वो कटने से बच सके। जी सेवन शरीफ के नवाही इलाके बाजारा के रिहायशियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिदीन का मौकफ है कि दो माह कबल राहिजा बिरादरी के शख्स ने फायरिंग करके उनकी एक खातून को जख्मी कर दिया था। मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, मगर अब मुलजिम का भाई उन्हें मुकदमा खत्म करवाने के लिए जान से मारने की धमकियां दे रहा है। मुजाहिदीन ने आला हुकाम से अपील की कि धमकियां देने वाले शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। बुरेवाला में नाराज बीवी ने शोहर के साथ जाने से इनकार किया तो शोहर ने साथियों समेत ससुरालियों पर डंडों से हमला कर दिया, जिससे खातून, इसका भाई और वालदा शदीद जख्मी हो गए। वाकई की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया, जहां एक खातून की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने जख्मियों के बयानात लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जलालपुर पीरवाला में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए घर घर वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अय्याज ताहिर से। जी मुजफ्फर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। खसरा और रुबेला का जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है वो जारी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी आगाही के प्रोग्राम के लिए मकामी एनजीओज भी आगाही दे रही हैं। कितना टारगेट है जलालपुर पीरवाला में वैक्सीनेशन लगवाने का, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मुबशर जलाल, DDHO जलालपुर पीरवाला, और जो सोशल मोबिलाइजर है वो मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। 15 नवम्बर से खसरा रुबेला कम्पेन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को खसरा और रुबेला के इंजेक्शन लगाया जाएगा। मेरी तमाम वालदैन से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमाकर अपने 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट कराएं ताकि हम खसरा जैसी मूजी मर्द का खात्मा कर सकें। हमारी NGJCD इस मुहिम का हिस्सा है और हम एज ए सोशल मोबिलाईजर हम घर घर जाके और स्कूल्स में जाके अवेयरनेस फराम कर रहे हैं, और हमारी तमाम वालदैन साहिबान से गुजारिश है कि प्लीज आप अपने बच्चों को इंजेक्शन जरूर लगाएं और हमारे साथ तावन करें। जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जलालपुर पीरवाला में 2.5 लाख बच्चों को जो वैक्सीनेशन की जाएगी इसका टारगेट है, और डॉक्टर साहिबान का ये भी कहना है कि इंशाल्लाह हम इसको अचीवमेंट कर लेंगे। जी नाजरा ऑफिस टंडू मोहम्मद खान के अमले का आवाम से नारवा सलूक और सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से नाजरा ऑफिस के सामने धरना जारी है। इस बारे में मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अंसार। जी अंसार। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान की नादरा ऑफिस के बाहर, जहां पर सिंध नेशनल पार्टी और दीगर तंजीमों की जानिब से नादरा के अमले के अवाम के साथ गलत रवैये के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आइए यहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप यहां तो यहां पे पेनाफेलिक्स बोर्ड लगा दो, लोगों को पता चले उन पर लिखा हुआ हो कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कार्ड बनने के लिए जरूरी है। और नादरा का जो अमला है, दूसरा मसला ये है कि अमला जो है वो बदअखलाक है, लोगों से उनका रवैया जो ऐसा है कि मतलब जैसे इनके वो कर्जी हों, जाती इनके नौकर हों, हारी हों, ये कोई तरीकेकार नहीं है। उनके टैक्स से इनकी ऑफिसें चलती हैं, उनके टैक्स से ये ACO में बैठे हुए हैं, और जो लोग जो टैक्स देने वाले हैं वो बाहर धूप में सर्दी में परेशान रहते हैं, मगर उनका काम नहीं होता है। इन्होंने नादरा की आला इंतजामिया और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि टंडो मोहम्मद खान के नादरा के हमले का रवैया दुरुस्त किया जाए और आवाम को सहूलियात फराहम की जाए।